वेलकम टू कंपटीशन गुरु। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है हमारे पास और उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हम लोग उसकी आज पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ब्रीफ सिलेबस डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था कि भाई कौन कौन से टॉपिक जो है क्रूशल है, जो पेपर में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उसकी जो पहली यूनिट है अकाउंटिंग, उसकी आज हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, आप कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के उठा के देखो, न केवल पीजीटी एचपी का, या फिर आप हरियाणा का देखो, या पंजाब का देखो, या सेंट्रल देखो, नेट का एग्ज़ाम देखो, ये टॉपिक मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि हमें पता है कि डबल एंट्री सिस्टम लुका पैसियोला ने स्टार्ट किया था, बेसिकली उससे पहले भी था इंडिया में, तो जो होटल है उसकी इकोनॉमिक में इस तरीके की चीज़ें अकाउंटिंग की दिखती है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो आज के फॉर्म्स में हम पढ़ते हैं, यानी कि वो सिद्धांत जो बेसिक है, बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं, जिसके बेसिस पर फर्दर अकाउंटिंग एक तरीके से कह सकते हो कि ये नींव है, इसको हम तीन टुकड़ों में बांट कर समझते हैं। सबसे पहला हमारा होते हैं कंसेप्ट्स, विच इज ऑल्सो नोन एज एग्जम्पशंस, ये मान्यताएं, आपको ये मान के चलना पड़ेगा और उस बेस पर आप अपने सारे के सारे अकाउंट्स बनाओगे, चाहे वो कॉस्ट अकाउंट हो, फाइनेंशियल अकाउंट हो, ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग हो, सारी अकाउंटिंग की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और एग्जम्पशंस होती हैं। तो वो कौन से एग्जम्पशंस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती हैं, लगभग सारी कंट्रीज में वो सिस्टम माना जाता है, जिसका बेस पर हमारी फर्दर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और कुछ है इसके अंदर कन्वेंशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिपाटियां, कुछ कन्वेंशंस पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हर कंट्रीज के कुछ अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडिया के भी हैं, और कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो वर्ल्ड वाइडली होते हैं। तो हर कंट्री की कोशिश रहती है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से बनाए जाए ताकि वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग करते समय, आजकल जैसे MNCs कंपनीज आती हैं, मतलब आती तो बहुत पहले से ही है, लेकिन अब जो उनका जो ट्रेंड है, जो स्पीड है, वो और ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोगों को अब कौन से रूल हम फॉलो करेंगे, कंट्री के अपने करेंगे कि उनकी कंट्री के करेंगे, तो इसलिए हर कंट्री की कोशिश रहती है कि उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उससे मैच करें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जिनको कुल मिला के हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। और पहले मैं आपको एक बार जो है इसके अंदर जो है अकाउंटिंग रूल्स, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के एक जनरल डेफिनेशंस की बात करूं, तो क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है वो रूल्स, वो गाइडलाइंस, जिसको फॉलो करके कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल डेटा प्रिपेयर करती है। फाइनेंशियल डेटा से मेरा मतलब हुआ अपनी इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब किसी कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में नॉलेज होना, यानी कि बैलेंस शीट आप उसको कह सकते हो। तो वो जो मेन फाइनेंशियल डेटा है, उसको किन रूल्स और के बेस पे बनाया जाएगा, या जब कोई व्यक्ति उसको बनाएगा तो क्या गाइडलाइंस है जिसको वो फॉलो करेगा, उसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, सॉरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अब उसकी कुछ हम लोग एजम्पशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे पहली एजम्पशंस है वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। कंसर्न का मतलब यहाँ से होगा किसी बिजनेस एंटिटी से। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि ये बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉई या शेयर होल्डर बढ़ जाए या घट जाए, कंपनी हमेशा इस इंटेंशन से खुली जाती है कि वो हमेशा लंबे समय तक चलती रहेगी, जिसको हम कहते हैं इनफिनाइट इनडेफिनेट लाइफ। इनडेफिनेट लाइफ है उसकी, इनडेफिनेट एग्जिस्टेंस है, यानी कि कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, वो लंबे समय तक चलती जाएगी। आपने कंपनीज लॉ में पढ़ा होगा कि मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोइंग फॉरएवर, यानी लोग आएंगे लोग जाएंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। ये एजम्पशन मानकर ही हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे कि हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है
और कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट मीनिंग तो वो कम ही पूछेगा आपको, वो सिचुएशंस देगा और वो बोलेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं ये ट्रांजेक्शन हम कौन सी एजम्पशन के बेस पर करते हैं, ये कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट के बेस पर करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा हमारी फिक्स एसेट्स, यानी कि जो हमने बिजनेस में रीसेल पर्पसेस के लिए नहीं खरीदी है, ये बिजनेस की इनकम को ग्रो करने में हमारी हेल्प करती है। जबकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारे डे टू डे के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला हमारी करंट एसेट में से जब हम करंट लाइबिलिटी घटाते हैं तो वर्किंग कैपिटल आती है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि गाड़ी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें डे बाय डे फ्यूल डलवाना एक जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये कैटेगराइजेशन हम क्यों कर पाते हैं, हम ये मान के चलते कि एसेट मेरी 10 साल तक चलेगी और उसके ऊपर मैं 10 साल का डेप्रिसिएशन फंड्स बनाता हूँ। अब मुझे पता ही ना हो कि भाई मेरा बिजनेस कितने समय तक चलेगा तो आप कैसे ट्रांजेक्शन्स करोगे। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगराइजेशन तभी पॉसिबल है अगर हम ये मानकर चलें कि बिजनेस मेरा लंबे समय तक चलता रहेगा। इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स है या लाइबिलिटी है कि ये करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटी है, ये नॉन करंट एसेट है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये कैटेगराइजेशन भी आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पर करते हो। कोई भी डेप्रिसिएशन आप लगाते हो तो आप यही मान के चलते हो कि बिजनेस जो है मेरा लंबे समय तक चलता रहेगा और इसी बेस पर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। आगे और कंसेप्ट बताता हूँ आपको। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि एक जैसा जो मेथड है उसको फॉलो करना। अगर हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं तो उसका एक पर्पस ये है कि हम वो अकाउंट्स को कंपेयर कर पाए अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट से, यानी कि 2022 के अकाउंट से 2023 के अकाउंट्स को कंपेयर कर पाए और अपने जैसी फर्मों को, विच इज ऑल्सो नोन एज कंपिटीटर्स, कंपिटीटर से हम लोग अपना अकाउंट को कंपेयर कर पाए। लेकिन वो कंपैरिजन कब होगा, जब दोनों के दोनों फर्में एक जैसा मेथड को अडॉप्ट करेंगी। यानी अगर दोनों फर्में एक जैसा मेथड नहीं बनाएंगी तो आप उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। एक गांव में पढ़ने वाले बच्चे की जो उसके पास रिसोर्सेज है वो लिमिटाइज रिसोर्सेज है, और एक शहर में बच्चा पढ़ा जिसपे सभी सुविधाओं से वो लेस है, सारी की सारी फैसिलिटीज है, कंप्यूटर है, नेट है, बाकी उसको हेल्प करने के लिए फैकल्टीज है, लाइब्रेरीज है, और एक गांव में बच्चा पढ़ रहा है, तो कंपैरिजन करना डिफिकल्ट है ना। रेस स्टार्ट करेंगे तो दोनों को दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि जब आप कंपैरिजन करना चाहते हो वो तभी पॉसिबल है अगर आपने थ्रू आउट द ईयर्स एक ही जैसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, एक ही जैसे मेथड को फॉलो करा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर उनमें से दो फेमस मेथड, एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है और एक रिटर्न डाउनलोड वैल्यू मेथड होता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट में तो हर साल आप एक सेम अमाउंट ही जो है एसेट्स की कम करते चले जाते हो। मान लो 10,000 रुपए की कोई एसेट्स है और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो हर साल 1,000 कम करके आप उसकी वैल्यू 10 साल में जीरो कर दोगे। लेकिन डिमिनिशिंग में क्या होता है कि 10,000 पे 10% लगा 1,000, तो जो अब वो बच के वैल्यू आएगी यानी कि रिमेन वैल्यू आएगी 9,000 रुपए, उसके ऊपर 10% करके आप जो है 900 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दोगे। लेकिन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि एक बार जो मेथड आपने डेप्रिसिएशन का अडॉप्ट कर लिया, डिमिनिशिंग कर लिया, तो यानी रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू कर लिया, तो उसको ही कंटिन्यू करते रहो। और अगर आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कर रहे हो तो उसको ही कंटिन्यू करते रहो। अगर आप अपने अकाउंटिंग मेथड को साल दर साल या फिर इन अ मिड ऑफ इयर्स आप इंटीरियर में उसको चेंज कर दोगे तो आपके डेटे कभी भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो एक बेसिक सी अजम्पशन है ये मान के चल रहा है कि हमारे अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी रहे, एक रूपता रहे। उसके लिए आप जो भी वेरियस मेथड अपनाते हो, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का बोला, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो अगर आपने ये मेथड अपने एक बार चॉइस कर लिया है तो आप उस मेथड के साथ कंसिस्टेंस रहे, यही रेलेवेंसी है। इट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कि भाई मुझे कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, कौन सा यूटिलाइज करना है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए एक मेथड मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ स्टॉक का। जो स्टॉक होता है उसको सेल आउट करने के लिए हम क्या क्या मेथड अपनाते हैं, आपने सुना होगा लीफो और भी बहुत होते हैं, लेकिन फिलहाल तीन की बात कर लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाई इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसको पहले बेच दो, जो सबसे लास्ट में आया उसको पहले बेच दो, जिसका एमआरपी सबसे ज्यादा है उसको आप सेल्ड आउट कर दो।
तो ये हमारे जो है स्टॉक के मेथड कहलाते हैं, ठीक है जी। लिपो, विपो और हिपो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाई इन फर्स्ट आउट। एक मेथड आपने अगर एक बार अपना लिया तो उसी मेथड के साथ कंसिस्टेंट रहो, उसी मेथड के साथ अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करो, बार बार उस मेथड को चेंज मत करो, अदरवाइज आपका डेटा कभी भी मैच नहीं करेगा। यही एग्जांपल देकर वो पूछेगा कि 2014 के अंदर लिपो मेथड अपनाया और 2015 में हिफो कर लिया और 2016 के अंदर उसने जो है लिपो मेथड कर लिया, तो ये कौन से अकाउंटिंग एजम्पशन का वॉयलेशन है? तो आप बोलोगे कंसिस्टेंसी एजम्पशन का वॉयलेशन है। एक और आप एग्जम्पशन देखिए, एक्रूअल कंसेप्ट। अकाउंट जो है दो बेसिस पे बनाया जाता है, एक तो कैश बेसिस पे, एक एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस पे मतलब यह है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास कैश में होगी, यानी हमारे पास एक्चुअल में कैश रिसीव होगा या एक्चुअल में हम कैश पे करेंगे, उस दिन हम उसको ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। अगर कोई उधार के ट्रांजेक्शन है तो उसको हम अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। तो अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? अक्रूअल कंसेप्ट अप्लाई, अक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि हमने जितने भी रिवेन्यू और रिकॉर्ड करने हैं, जितने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं, वही उपार्जित यानी अक्रूअल बेसिस पर करने हैं, चाहे वो हमें रिसीव हुई है या इनकम या नहीं। लेकिन अगर हमने कमा लिया, उसके ऊपर राइट जनरेट हो गया है, तो हमारी वो इनकम कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉई है, वो 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करता है। अब देखिए 30 तारीख तक उन्हें काम कर दिया, तो इसका मतलब अगले महीने की 1 तारीख पर उनकी सैलरी ड्यू हो जानी चाहिए। तो ड्यू होगी तो मैं अपने बुक्स में लिख लूंगा, लेकिन एक्चुअल में मैं पे इसको कर रहा हूँ 7 तारीख को या 8 तारीख को, तो वो हो गया रिसीव बेसिस। एक्रूअल एग्जम्पशन हमारी इस बात पर चलती है कि अगर हमने इनकम अर्न कर ली है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप कंपनीज लॉ की बात करो तो वहां पर भी आप जो है इसी एग्जम्पशन से ही कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो, ये मैंडेटरी होता है। रेलेवेंस यही है कि अर्निंग ऑफ रिवेन्यू एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी एक्रूडली मैच टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। आज हमने कोई चीज कमा ली तो उसको आज ही लिख लो, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। और अगर नहीं भी होती है तो फिर हम उसके फर्दर एंट्रीज हम लोग कर पाते होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो हम उसको अपने बैड डेट में डाल सकते हैं, है ना। आगे नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग की जो एजम्पशन है, या आप कंसेप्ट बोल सकते हो, वो है बिजनेस एंटिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग एंटिटी, यानी बिजनेस की पहचान। बिजनेस की जो एंटिटी है वो बिजनेस मैन की एंटिटी से बिल्कुल ही अलग है, उसको हम मैच करके नहीं देखते, दोनों को एक नहीं मानते। और इसी बेसिस पर हम सारे के सारे अकाउंट्स को जनरेट करते हैं। एक केस हम लोगों ने पढ़ा था सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी का, एक कंपनी जहां पे डिसीजन ये बोला था कि सोलोमन एक अलग पर्सन है और सोलोमन एंड सन्स कंपनी एक अलग पर्सन है। हम इनकम टैक्स में भी पर्सन की डेफिनेशन में एक इंडिविजुअल पढ़ते हैं, एक कंपनी पढ़ते हैं, आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पढ़ते हैं, कंपनी पढ़ते हैं, फर्म पढ़ते हैं। इन सबको हम अलग अलग पर्सन मान के चलते हैं टैक्स के पर्पसेस से। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं कि बिजनेस एक अलग व्यक्ति है और बिजनेस मैन एक अलग व्यक्ति है, दोनों को हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जब हम बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन पैसा लगाता है, विच इज कॉल्ड कैपिटल, तो फर्म क्या करती है उसको, यानी बिजनेस क्या करता है उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। अभी तो दे पा रहा ना कि एक्चुअल में तो मेरा ही बिजनेस है, मैंने ही पैसा लगाया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट वो मेरी कैपिटल के ऊपर अगर मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, उसको मैं P&L के डेबिट में दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं मान के चल रहा हूँ कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग बातें हैं। या इसका उल्टा करके देखें कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर मैंने अपने जाती पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाला और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं अपने आप को बिजनेस से अलग देख रहा हूँ। आपने अपना बिजनेस में तो कोई भी बंदा कैसे भी पैसे निकाल ले, उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत क्या है? लेकिन इस अजम्पशन के बेसिस पर हम मान के चलते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अगर बिजनेस अपार्ट फ्रॉम कैपिटल लोन भी देता है तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है। ये सारी की सारी चीजों की ट्रांजेक्शन हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बिजनेस को हम उसके सदस्यों से अलग रूप में देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कहता है कि वट एवर द रिकॉर्डिंग, वट एवर द ट्रांजेक्शन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन योर अकाउंट्स, इट मस्ट बी इन मनी। यू शुड बी राइट ईच एंड एवरीथिंग इन अ टर्म्स ऑफ मनी। यू कांट राइट द थिंग्स इन द क्वांटिटी, लाइक यू हैव अ 5 फर्नीचर, सो यू कांट एबल टू यू शुडंट एबल टू राइट दीज थिंग इन बैलेंस शीट एज वी हैव अ 5 फर्नीचर।
बट यू हैव टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ दैट फर्नीचर. वट इज एग्जैक्ट वैल्यू, वैल्यू मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी वो कितने रुपए का है, हमको वो रिकॉर्ड करना है, ना कि ये कि वो कितनी क्वांटिटी का है. ये तो सिंपल सा रूल है, हम सबको ही पता होगा. मतलब क्वांटिटेटिव डेटा ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटेटिव नहीं कर सकते. अब जैसे मान लो कोई कोई इम्प्लॉई है, वो फर्म के लिए ऑनेस्ट है या ऑनेस्ट नहीं है, इन दोनों बातों से फर्म के रिवेन्यू पर फर्क पड़ता है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते. इसी तरीके से अगर इम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं, उससे बिजनेस को नुकसान होता है. अगर इम्प्लॉयज के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो उससे भी बिजनेस को नुकसान होता है, लेकिन कितना होता है इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू में डिफाइन नहीं कर सकते. ये सारी की सारी चीजें सिग्निफिकेंट होने के बाद भी हम इसको मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा क्वांटिफाइड डेटा नहीं है, ये क्वांट्स में डेटा नहीं है, ये एक क्वालिटेटिव डेटा है. इसलिए हम इसको अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में या बाकी जितने भी फर्दर अकाउंट्स बनाते हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं करते. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि चीजों को हमेशा मनी में ही रिकॉर्ड करना पड़ता है. क्वालिटेटिव डेटा को ये इग्नोर कर देता है. कोई ह्यूमन रिसोर्स है, वो एफिशिएंट है, वो फर्म की एसेट है, इस बात को इग्नोर कर देता है. हालांकि अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती है, बट वो इतनी धरातल पर प्रैक्टिकल अभी नहीं हुई है. कोई एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट डिसऑनर्ड है, उससे भी फर्म को फर्क पड़ता है, लेकिन वी कैन नॉट रिकॉर्ड दिस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ मनी और करेंसी इज नॉट स्टेबल. अब देखो वैल्यू ऑफ मनी फॉरन एक्सचेंज के अंदर रुपये की वैल्यू या डॉलर की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, लेकिन उस चीज को हम लोग अपने अकाउंट्स में नहीं दिखा पाते. उसके लिए फिर हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं. आगे बोल रहा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. ये अकाउंट्स जब बनाएंगे हम लोग विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड हमें लोगों को बनाने पड़ते हैं. ऐसा नहीं कि किसी ने चार दिन का अकाउंट बनाया, किसी ने चार महीने का, किसी ने चार साल का. अकाउंट्स बनेगा तो एक पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर डेट पर एंड होएगा, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम एक प्रेजेंट 31 मार्च कहते हैं. कुछ अकाउंट अगर हम कैलेंडर ईयर वाइज बना रहे हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो वो कैलेंडर ईयर हो गया, लेकिन वो होने चाहिए कंसिस्टेंट और एक साल के अकाउंट्स. अगर हम एक साल में तो हमने एक अकाउंट बनाया, अगले साल हमने तीन अलग अलग अकाउंट्स बना दिए, तो हमारा डेटा रिकनसाइल नहीं होगा, कंपेरेबल नहीं होगा. और अगर अकाउंट कंपेरेबल नहीं है तो उसको बनाने का फायदा नहीं. कोई चीज करने के बाद ये भी तो देखना होता है ना, हमें अपने आप को कंपेयर करना होता है. एक स्पीड टेस्ट लगाया, उसमें मेरे नंबर आए 100 में से 50, अगला स्पीड टेस्ट लगाऊंगा उसमें मेरे आए 60. तो अगर दोनों 100-100 नंबर के होंगे तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा ना कि मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के बेसिस पर बनने चाहिए. ऐसा नहीं कि अकाउंट्स जो है अलग अलग मंथ के, कभी मंथ में बन जाए, कभी ईयर्स में बन जाए. ठीक है, इक्वल इंटरवल पर बनने चाहिए. एग्जैक्ट टर्म है इक्वल इंटरवल पर बनने चाहिए अकाउंट्स. आगे हमारी जो रेलेवेंसी है इसकी, बस यही है इनकम टैक्स के पर्पसेस से कैपिटल एक्सपेंडिचर के पोर्शन पर जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो एक्सपेंस हम कैटेगराइज करते हैं कि कैपिटल है या रिवेन्यू है. कुछ कंसेप्ट बहुत सारी जगहों पर भी चलते हैं, जैसे कि हमने शुरू में सबसे पहले पढ़ा था कंसेप्ट कैपिटल और रिवेन्यू के लिए, वो कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है. और करेक्टिव मेजरमेंट लेने के लिए भी इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है. नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इसको आप कन्वेंशन भी कह सकते हो कि फुली डिस्क्लोजर कंसेप्ट. ये कंसेप्ट भी कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट, यू कैन नॉट इग्नोर अ सिंगल ट्रांजेक्शन. अगर आपको एग्जैक्ट आपका सही प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो आपको सभी की सभी चीजों को डिस्क्लोज करना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है. हर चीज को, हर फाइनेंशियल डेटा को आपने रिकॉर्ड करना है. इवन उन चीजों को भी आपको फुट नोट्स में दिखाना है या नोट्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, विच इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड कि ये हो सकती है. जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी. कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो अभी तो नहीं है लेकिन भविष्य में वो हो सकती है. जैसे मान लीजिए कोई कंपनी के ऊपर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है जिसका डिसीजन अभी भी कोर्ट ने दिया नहीं है. अगर हम जीत गए तो हमें वो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हार गए तो करनी पड़ेगी. तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है जिसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, और ये भी दिखानी होती है. एग्जैक्ट बैलेंस शीट में नहीं, उसके फुट नोट में दिखानी पड़ती है. और ये क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हम मान के चलते कि हमें हर डेटा को दिखाना है, हर छोटी से छोटी चीजों को यहाँ पर शो करना है. आगे है प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसको आप कह सकते हो कंजर्वेटिव कंसेप्ट. यह कन्वेंशन होती है, कंजर्वेटिव कन्वेंशन या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कह दो. इसका मतलब क्या है कि जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं उनको हम अभी से लॉसेज मान लेते हैं, उसके लिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं. जैसे टैक्स पे करना है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाते हैं.
लेकिन जो फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं उसको हम अभी से प्रॉफिट मान के नहीं चलते। इसको कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी एक बार दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है तो जो होने वाले लॉसेज है उसको आप अभी से लॉसेज मान लो, लेकिन जो होने वाले बेनिफिट्स है, एंटिसिपेटरी जो लॉसेज है इज योर लॉसेज, लेकिन एंटिसिपेट प्रॉफिट इज नॉट योर प्रॉफिट। इस बेसिस पर एक कंसेप्ट चलता है जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंस, प्रूडेंस कंसेप्ट। और देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता रहेगा, ये थोड़ा रिपीट हो गया स्लाइड। कंसिस्टेंट एजम्पशंस भी होगी हमारी। अक्रूवल कंसेप्ट के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बिजनेस एंटिटी भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मनी मेजरमेंट डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा आप और देखिए फुली डिस्क्लोजर कंसेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। मेटरलिटी कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट जो है ये फुली डिस्क्लोजर कंसेप्ट के बिल्कुल रिवर्ट में है, बिल्कुल ऑपोजिट है। फुली डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू हैव टू शो, जिसकी भी छोटी मोटी सिग्निफिकेंट है वो चीज़ें आपको दिखानी है। लेकिन मेटरलिटी का मतलब क्या होता है कि इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, वाइटल, ओनली वाइटल ट्रांजेक्शन शुड बी कंसिडर इन अकाउंट्स। वो ट्रांजेक्शन आपको अकाउंट्स में नहीं दिखानी है जो छोटे मोटे इम्पैक्ट डालती है। जैसे आपने कोई छोटा खर्चा करा, कोई मेहमान आया हमारे ऑफिस में तो उसके लिए आपने एक बेसिक मील मंगवाई, तो वो जो छोटा मोटा खर्चा अगर आप उनको आप रिकॉर्ड करोगे तो अकाउंट्स क्या हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा। अकाउंट का जो साइज है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, जिसको पढ़ना मुश्किल होगा। तो कहता है कि डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो दिखाई है, इज कंपल्सरी, बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट इवन दोज फिगर्स विच आर इररिलेवेंट आर टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे अकाउंट ओवर बर्डन हो जाएगा, समझने में पढ़ने में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो आप चीजों को मर्ज करके या तो आप उसको मिसलिनियस में डाल दो, लेकिन आप सारी की सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड मत करो। कॉस्ट कंसेप्ट्स हम लोग एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट्स क्या कहता है, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, कि जब भी आप कोई चीज खरीदोगे तो आपने उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू को लिखना होता है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू को लिखना होता है। फ्लक्चुएटिंग वैल्यू या मार्केट वैल्यू को आपको कंसिडर नहीं करना होता। कॉस्ट वैल्यू मतलब आज मैंने कोई एसेट्स खरीदी, आज मैंने कोई मान लीजिए लैपटॉप खरीदा, वो 50,000 का है, तो मैं आज खरीदा तो मैं अपनी बैलेंस शीट में उसको 50,000 रुपए का दिखा दूंगा। अब कल उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वो चेंजेस मैं नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए अलग तरीके की अकाउंटिंग होती है जिसको कॉल इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर, ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पर हमको बुक्स में वो दिखाना होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, आप इसको पीडीएफ में पढ़ना भी, कि जिस दिन मैंने जो चीज खरीदी उसको मैं उतने पे दिखा दूंगा। 1.5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 20,000 रुपए मैंने उसको स्पेंड करे इसकी इंस्टॉलेशन करवाने में, तो कुल मिला के मेरी 1,70,000 कॉस्ट आ गई। तो जिस दिन मैंने खरीदी मैंने उस दिन उस वैल्यू को दिखा दिया। अब मान लीजिए ड्यू टू इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू 2 लाख होगी, तो इस इंक्रीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वैल्यू नॉट बी रिकॉर्डेड, इस तरीके की चेंजेस को हम नहीं दिखाएंगे। अगला कंसेप्ट हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बताता है कि जिस साल के हम लोग एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी साल की इनकम्स को हम लोगों को रिकॉर्ड करना होता है। जिस भी पर्टिकुलर पीरियड की इनकम आपने रिकॉर्ड करी उसी पर्टिकुलर ईयर के आप एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। आपने इनकम रिकॉर्ड कर ली है 1 अप्रैल से 30 सितंबर की और एक्सपेंडिचर्स आप अक्टूबर तक रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो आपका अकाउंट मैच नहीं कर पाएगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता कर पाओगे आप। ऑल द एक्सपेंसेस इनकर बाय द एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी आपने एक्सपेंसेस करे आर मैच विद द रिवेन्यू, जो भी रिवेन्यू हुआ उस रिकनाइज ड्यूरिंग में सेम पीरियड में उसको आप रिकॉर्ड करिए। अगर ये अलग अलग ईयर्स के होंगे, अलग अलग होंगे, तो आप इसको मैच नहीं कर पाओगे। इसी के लिए हम लोग अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस की एग्जम्पशन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, या क्रूअर इनकम की करते हैं, रिसीव इन एडवांस की, आउटस्टैंडिंग की, ये सारी एडजस्टमेंट या डेप्रिशन की एडजस्टमेंट, जितने भी 22-24 एडजस्टमेंट आपने प्लस में पढ़ी है वो सारी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो लगभग लगभग नॉन कैश आइटम्स होती हैं, तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम, एक रीजन तो होता है कि हम उनको कंसिडर करना है या लिखना भूल गए, दूसरा ये होता है कि वो विद इन अ पीरियड है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाकी को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बड़ा इजी सा है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि ईच ट्रांजेक्शन हैव एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट, हर ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 प्रभाव तो पड़ेंगे। एक चीज हमारी डेबिट में होगी तो दूसरी क्रेडिट में होगी, कुछ चीज आएगा तो कोई चीज हमारे पास से जारी होगी।
यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। अभी जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इस स्लाइड को देखिए, हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं और जो जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए उसको अगर मैं दो मेनी में 3 में डिवाइड कर देता हूँ। एक हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो आपको मैचिंग में पूछता है और इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे, कुछ जो डेप्रिसिएशन में आएंगे वो डेप्रिसिएशन में, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd में पढ़ लेंगे, कंसोलिडेट स्टेटमेंट जब कंपनी के अकाउंट कंसोलिडेट बनाएंगे तब भी पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इसकी लिस्ट पता होनी चाहिए कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कौन से नंबर पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन हमेशा मैचिंग में पूछा जाता है। हमने कंसेप्ट पढ़े जिसमें से कंसेप्ट के नाम अगर मैं बोलूँ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा जिसको हम अकाउंटिंग एंटिटी भी कहते हैं। एक हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा कि कंपनी हमेशा लंबे समय तक चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। तीसरा हमने कंसेप्ट इसमें पढ़ा है मैचिंग कंसेप्ट, जिस साल के एक्सपेंसेस हैं उसी साल के आपको जो है इनकम को रिकॉर्ड करना है। ओरिजिनल कॉस्ट कंसेप्ट या शॉर्ट में बोलूँ कॉस्ट कंसेप्ट, कि आपको उसकी जो है कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, उसकी फ्लक्चुएशंस को आपने कंसीडर नहीं करना। इसके अलावा हम लोगों ने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। मनी मेजरमेंट कि चीजों को हमेशा मनी की फॉर्म में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे और भी बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, कि अकाउंट्स हमेशा ऑब्जेक्टिविटी फ्री होने चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए उन कंसेप्ट के अंदर। हर कंसेप्ट एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट से अलग है। तो ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जो मैनेजर्स है वो जब अकाउंट्स बना रहा है तो वो अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज मत करें। कन्वेंशंस में मेनली 4 कन्वेंशंस आते हैं, और कन्वेंशन एक तो हमारी है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, यानी अकाउंट्स में सभी की सभी चीज़ों को फुल्ली डिस्क्लोज करना है, आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है। और दूसरी हमारी जो एजम्पशंस पढ़ी हमने, इसकी बिल्कुल विपरीत मेटरलिटी, यानी कि इम्पोर्टेंट मटेरियल चीज़ों को ही दिखाओ, बाकी चीज़ों को नहीं दिखाना। ये कहता है कि पूरी कंटीजेंसी चीज़ों को भी दिखाओ, ये कहता है कि केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाओ, अकाउंट ओवर बर्डन हो जाएगा। एक हम लोगों ने पढ़ा कंसिस्टेंसी, की अकाउंट में हमेशा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, अकाउंट्स में मेथड जो है बार बार चेंज नहीं होने चाहिए। एक हम लोगों ने इसके अंदर कंसेप्ट पढ़ा है कंजर्वेटिव कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म जिसको मैंने प्रूडेंस भी लिखा था, यानी कि केवल हम लोगों ने फ्यूचर के लॉसेस को लॉसेस मानना है लेकिन फ्यूचर की इनकम को इनकम नहीं मानना। ये 4 हमारे कन्वेंशंस होती हैं, और इसके अलावा ये 10 कंसेप्ट होते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं था लेकिन हालांकि मैंने आपको लगभग लगभग सारे बता दिए। तो ये सारे 10 कंसेप्ट, ये कन्वेंशंस, इनको टोटल मिला के आप इन दोनों को कंपोजिटली आप एजम्पशंस भी कह सकते हो। और हमारे पास 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों की लिस्ट पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बताऊंगा और पूरी किस तरीके से हमारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्क करता है, किस तरीके से जर्नल्स रिकॉर्ड की जाती हैं, उससे लेजर्स बनाए जाते हैं। कोई भी 10 ट्रांजेक्शन्स मैं आपको रैंडमली बोल दूँ, आपको उन 10 ट्रांजेक्शन से जर्नल, सब्सिडरी जो है लेजर बनाने आने चाहिए, ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कंपेरिजन, पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग साइकिल्स है ये पूरी की पूरी, आप कोई भी रैंडम ट्रांजेक्शन से लेकर आपको ये करनी आनी चाहिए। ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग होता है, और उसके बाद हम लोग इसके और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जैसे कि कंसोलिडेट हो गया, हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का चैप्टर हो गया, जॉइंट वेंचर ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर हो गया, और ये सभी चैप्टर्स पर हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, इनकी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की लिस्ट वगैरह को आपने अच्छे से याद करना है, इनको पूरा डिटेल में बताओ कि इनके क्या क्या यूटिलाइजेशन है। आपको एक बार इसको बुक में जरूर पढ़ना पड़ेगा, ये जो मैं नोट्स दूंगा आप उस नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन बगैर पढ़े आप इनको क्लियर नहीं कर पाओगे। टीचर जो है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है लेकिन वो कितने समय तक आपको याद रहेंगी, कितना अच्छा आप समझोगे, उसके लिए आपको एक बार रीडिंग जरूर करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं फिर हम अगली क्लासेस में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।